नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 21 अप्रैल 2022 के बारे में। 21 अप्रैल 2022 का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर आप सभी को सावधानी रखनी है, क्या चीजें आप सभी को करनी है और क्या करने से आप सभी को बचना है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे अचूक उपाय के बारे में और एंजल नंबर के बारे में, जिसको करने से आप अपने इस दिन को और भी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर बना सकते हैं। 21 अप्रैल 2022 ये जो दिन रहेगा, गुरुवार का दिन रहेगा, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिन यहाँ पर दिखाई देता है। 2+1 नंबर थ्री जो है जुपिटर का नंबर है, गुरुवार का दिन है, देवगुरु बृहस्पति अपने घर में विराजमान है और काफ़ी अच्छा ग्रहों का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। तो छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी बहुत अच्छा रिजल्ट दे देती है और वैसा ही दिन आपका यहाँ पर आज जाने वाला है, जहाँ पर हर एक छोटी चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी। इसीलिए आज के दिन में कोशिश करें कि हर एक चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें और वह सारी चीज़ें करने की कोशिश करें जिससे कि आपको खुशी मिलती है, जिससे कि आपका काम बन सकता है और जिससे कि आपके परेशानियों को दूर किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आज का। आज 21 अप्रैल का जो दिन रहेगा, ये फाइनेंशियली आपको परेशानियों से मुक्ति देने में मदद करेगा। पैसा रुका हुआ है तो वो आने का योग यहाँ पर बनता है और साथ ही साथ कोई अच्छा डील यहाँ पर मिल सकता है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर आपके हाथ में लग सकता है, उसके भी चांसेस यहाँ पर बनते हैं। इंटरव्यूज अगर दे रहे हैं तो पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं, सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और आप सभी का काम बनने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहेगा आप सभी के लिए, जहाँ पर आप एक अच्छे लेवल पर अपने आप को स्टेबल महसूस करेंगे। आज का जो दिन रहेगा, इस दिन में आप सभी को फाइनेंशियली कोई लॉसेज यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं और साथ ही साथ आज के दिन में आपकी किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अगर आप सभी जॉब सर्च कर रहे हैं और पुरानी कंपनी में वापस जाना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन का फायदा उठाइए और अपनी पुरानी कंपनी में वापस जाने की कोशिश करिए, आपका काम डेफिनेटली यहाँ पर बन जाएगा और कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ये जो दिन रहेगा, इस दिन के अंदर आप कोई ना कोई काम करने की कोशिश करें तो उसे पूरा करने का प्रयास करिएगा, गिव अप मत करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा फोकस आपके दिन को और आपके काम को बना सकता है और आपकी परेशानियों को खत्म कर सकता है। आज के दिन में रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर रहेंगे। लड़ाई झगड़े खत्म करने का समय है, गिले शिकवे माफ़ करिए और प्यार का इजहार करिए, अपने आप को आगे रखने की कोशिश करिए रिलेशनशिप में और अपनी तरफ से अच्छी चीज़ें करने का प्रयास करिए, आपको डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर आपको महसूस नहीं होगी। आज का ये जो दिन रहेगा, ये किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और साथ ही साथ नए रिश्तों को देखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन है और आज की गई किसी बातचीत का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो इस दिन का पूरा पूरा फायदा आपको यहाँ पर भी उठाना है। सेहत के लिहाज से भी देखा जाए तो आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई देती है। अगर कोई बच्चे हैं और वो बीमार हैं तो आज का दिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा। इसके अलावा आज का जो दिन रहेगा वो बच्चों के लिए तो अच्छा है ही है, साथ ही साथ किडनी पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन है, डायलिसिस पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन है और शुगर के मरीजों के लिए भी आज का दिन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपकी सेहत में नहीं देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आज के दिन स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से इस दिन को निकालने की कोशिश करेंगे। आज का जो दिन है, देश और दुनिया के लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर लेकर के आ रहा है। हमारे देश में भी सरकार की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं, कुछ बिल पास हो सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, कुछ नई योजनाएं यहाँ पर आने को के चांसेस भी बनते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ यहाँ पर आज के दिन हमारे इस देश में देखने को मिल सकती है, उसके भी चांसेस अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ कि कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ ना हो। देश और दुनिया में माहौल थोड़ा सा अच्छा रहेगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा समय है, मिलकर बैठकर बातचीत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय है। उम्मीद करूंगा कि परेशानियां खत्म होंगी और चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस लेवल पे आती हुई नजर आएंगी। आज के दिन राशियों के लिहाज से भी देख लिया जाए तो वृषभ राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि और मीन राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय है। नंबर्स की यहाँ पर बात कर ली जाए तो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 8 वालों के लिए दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अल्फाबेट्स में यहाँ पर देखा जाए तो आज के दिन अल्फाबेट्स में ए सी आई एच
M, N, R, S और V, आप सभी के लिए दिन काफी ज्यादा पॉजिटिव यहां पर दिखाई देता है। अब एक जरूरी बात आपको बता देता हूं, 29th ऑफ अप्रैल से लेकर के 2nd ऑफ मई तक के बीच में मैं रहूंगा जयपुर में, राजस्थान जयपुर में मैं मिलूंगा आप सभी से। अगर आप सभी जयपुर के रहने वाले हैं, जयपुर के आसपास कहीं रहते हैं और जयपुर में आकर के मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना और समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि हमारी मुलाकात अच्छी रहेगी और आपकी परेशानियों के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अचूक उपाय के बारे में और एंजल नंबर के बारे में। उससे पहले, अगर आज आपका जन्मदिन है, अगर आज आपकी एनिवर्सरी है, आपके जीवन का कोई विशेष महत्वपूर्ण दिन है, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। यही प्रार्थना करता हूं कि दिन आपका शानदार जाएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। आज का जो दिन रहेगा, इस दिन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, और ये पूरा समय जो देखा जाए यहाँ पर, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा साल जाने वाला है। आपकी कहीं ना कहीं मनोकामनाएं पूरी हो सकती है, आप जो भी चीज करना चाहते हैं डेफिनेटली यहाँ पर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो विशेष समय आपका यहाँ पर शुरू होता है। तो यही प्रार्थना करता हूं कि साल आपका शानदार जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज वैदिक उपाय के बारे में। आज के दिन आपको कौन कौन से वैदिक उपाय करने हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। आज के दिन में जो वैदिक उपाय करना है, सबसे पहले जिस पानी से आप स्नान करते हैं उस पानी में हल्की सी हल्दी मिला के स्नान करिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हल्दी का टीका भी आज आपको अपने माथे पर लगाना है, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन में अगर घर के आसपास शिव मंदिर है तो जा कर के शिव जी का अभिषेक ज़रूर करिए और शिव जी के चंदन का टीका ज़रूर लगाइएगा, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज के दिन में घर के सभी कोनों पर कपूर की एक छोटी छोटी टुकड़े जरूर रख दीजिएगा और घर में आपको लगानी है चंदन की अगरबत्ती, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ संकेत देगा, घर भी वातावरण अच्छा रखेगा और आपका भी कहीं ना कहीं माहौल जो है वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए आज के दिन में आपको क्या करना है, अगर घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर आपको सफ़ेद आटा आप सभी के घर पे हो गई, आटे में गुड़ मिला के आप थोड़ा सा आटा वहाँ पर बिखेर दीजिएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही साथ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अगर आपके घर के आसपास कोई बेजुबान जानवर है, चिड़िया है, पक्षी है या फिर पशु हैं, तो उनके लिए पीने के लिए कुछ भी अपने घर के आसपास ज़रूर रखिएगा ताकि वो आए और पानी पी पाएँ और इस भरी गर्मी में थोड़ी सी राहत की सांस उनको भी मिल पाए। आज के दिन जो एंजल नंबर इस्तेमाल करना है आप सभी को, वो नोट कर लीजिएगा फटाफट से कि कौन सा एंजल नंबर आपको इस्तेमाल करना है। आज का जो एंजल नंबर रहेगा ये रहेगा 5321। बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नंबर है 5321। आपको रिकॉल करना है दिन में 3 से 4 बार और आपको रिलैक्स रहना है और कोशिश करिएगा कि परेशानियों से दूर रहें, टेंशन से दूर रहें और बहुत आराम से अपने काम को करने की कोशिश करें। आज के दिन आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शानदार जाएगा, अच्छे दिन का पूरा पूरा फायदा उठाना है और अपने आप को परेशानियों से दूर रखना है। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।